आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबको पता है कि अब हीट वेव जो है अप्रैल और मई में आमतौर पर हीट वेव आई जाती है और जून के पहले पखवाड़े तक रहती है। तो इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रही है गंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, अनंतपुर वगैरह और ये जो रॉयल सीमा है यहाँ पर भी सीवियर हीट वेव है। और तमिलनाडु के साथ साथ इंटीरियर कर्नाटका हो गया, उड़ीसा के अंदरूनी भाग है और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और ये बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी हीट वेव चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी आपको दिखाई दे रही होगी। अब अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आने वाला है, ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर पहुंच गया है, जम्मू संभाग के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है कह सकते हैं हम। और ये कल का पिक्चर था। अब अगर आगे देखें हम 26 तारीख को तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर होगा, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान राजस्थान पर होगा, एक तरफ रेखा पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश तक आएगी और एक तरफ पाकिस्तान की तरफ जाएगी, यानी और नमी वाली हवाएं ये अरब सागर से आप देखिए यहाँ से नमी लेकर के आएगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी नमी होगी, जिससे कि उत्तर भारत में बारिश और तेज आंधी के साथ साथ ओले गिर सकते हैं, पहाड़ों पर बारिश वगैरह की संभावना हमें नजर आ रही है। और एक तरफ है जो आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई दे रही है, एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में है, तो यहाँ से भी इस तरह से हवाएं यहाँ पर नमी सेंट्रल इंडिया में पहुंचा रही हैं और एक सेंट्रल इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक आप देख रहे हैं ट्रफ रेखा आ रही है और यहाँ से भी हवाएं घूम करके नमी लेकर के आ रही है, यानी कि दोनों सागरों से नमी आ रही है, ट्रफ रेखाएं बनी हुई हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो यानी कि बहुत ज्यादा वेदर सिस्टम ऐसे बने हुए हैं जो कई राज्यों में बारिश और मेघ गर्जना दे सकते हैं। तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है। अब अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर कल 23 अप्रैल को हमने देखा, 24 अप्रैल को माफ कीजिएगा, कि काफी ज्यादा बने हुए, ये 25 पहले वाले जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाले जगह है, अनंतपुर में 43.7 था, कड़पा में 43.6 था, भुवनेश्वर में 43.2, तिरुपति, जशपुरा, कुरनूल, भद्राचलम, जमशेदपुर, नांडियाल, बारी, बड़ा मिदनापुर, नालगोंडा, प्रयागराज, बांकुरा, चांदबली, खम्मम, रंटनजनतला, बर्धमान, इरोड, मालेगांव, टिटलागढ़, विजयवाड़ा, एंगुल, कटक और वाराणसी, ये 25 ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा गर्म हमने देखे। और अगर इसको मैप में देखा जाए तो आप देखिए 40 डिग्री से ऊपर ये सारा इलाका है, पूरा आपका बिहार झारखंड के ज्यादातर इलाके हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये पूरा आप देखिए ये अपना तेलंगाना से लेकर के ये पूरा तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके, इंटीरियर जो आपका कर्नाटक है और ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, गुजरात में जो 40 डिग्री के नीचे था अब ऊपर आ गया है, राजस्थान में भी 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, केवल पंजाब हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही बचे हुए हैं, बाकी सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए तो पंजाब में कल से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, कल कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 27 तारीख को भी उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है और 26 और 27 तारीख को तेज हवाओं के साथ आंधी और ओले भी कुछ इलाकों में गिर सकते हैं और उसी तरह से हरियाणा में और दिल्ली में भी जो बारिश है वो 26 या 27 तारीख को हो सकती है, कई इलाकों में बारिश होगी, धूल भरी आंधी चलेगी, तेज हवाएं चलेंगी, गरज बिजली की गरज होगी, बिजली गिर सकती है, बिजली चमकेगी और कुछ इलाकों में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। आगे दिल्ली में ओलावृष्टि के चांसेस कम लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बौछारें आपको दिख सकती हैं, यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है आपका ये पूरा यहाँ पर बारिश हो सकती है, बाकी इलाके यहाँ पर हो सकता है कि वेरी लाइट रेन हो जाए और यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, यानी कि हल्की बारिश जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य भागों में वेरी लाइट और उसके बाद ड्राई वेदर की कंडीशन बनने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर और आगे चलते हैं बिहार और झारखंड में, बिहार की बात करें तो बिहार काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, हीट वेव चल रही है, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे कि सर्कुलेशन राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, नमी वाली हवाएं अरब सागर से आ रही है तो राजस्थान के कई इलाकों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ये जो इलाके हैं बारिश देख सकते हैं, धूल भरी आंधी देख सकते हैं। और आज बारिश की गतिविधियां जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है जैसे कि झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं बारिश देख सकते हैं, धूल भरी आंधी भी देख सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो राजस्थान से लगे हुए नीमच, गुना,
अगर मालवा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, यहाँ पर खुश वेदर एक्टिविटी हो सकती है, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में भी छिटपुट बौछारें दिखाई देंगे और जो उत्तर पूर्वी और उत्तरी जो जिले हैं वो काफी ज्यादा गर्म रहेंगे, यानी मिक्स वेदर की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो कवर्धा और राजनांदगांव, दुर्ग और कांकेर वगैरह में हल्की हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, बाकी इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे, हीट वेव जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। झारखंड में कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है, काफी ज्यादा गर्मी का माहौल यहाँ पर बना रहेगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर, पुरी, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पारीपाड़ा और ये पारादीप वगैरह काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं, यहाँ पर उमस बहुत ज्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी के साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो जो फील लाइक टेम्परेचर है काफी ज्यादा हो जाता है। अगर भुवनेश्वर में 43 डिग्री है तो 48 डिग्री की फील आएगी, यानी कि जो हवा में नमी ज्यादा होती है तो आपका पसीना सूख नहीं पाता, एवोपरेट नहीं हो पाता, इसीलिए आपका शरीर गर्म हो जाता है, हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो बीच बीच में छाया में बैठे, पानी वगैरह पीते रहें, अपने आप को कूल रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से गंदी गर्मी पड़ रही है इस इलाके में। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, अरवली, महीसागर में बादल छा सकते हैं, बाकी इलाके काफी ज्यादा गर्म रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। गर्मी अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगी, 42-43 डिग्री का आंकड़ा कई जिले पार कर सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जो आपका उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे सकती है, यहाँ से लेकर के नासिक से लेकर के आपका धुले, नंदुरबार, नासिक और ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है और उसके नीचे इस इलाके में वेरी लाइट रेन हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे, कोई भी राहत यहाँ पर अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सीवियर हीट वेव चल रही है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हीट वेव चल रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं, बादल ही छाएंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो ये ट्रफ बनी हुई है यहाँ पर जो पूर्वी असम में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो अरुणाचल प्रदेश और उससे लगे हुए जो असम के इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल भी हो सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में हल्की बौछारें दिखाई देंगी। कर्नाटका के इंटीरियर भाग में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है, यानी कि हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। जो साउथ इलाका है यहाँ पर भी काफी ज्यादा गर्मी है, कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, वेदर विल बी ऑलमोस्ट ड्राई एंड वेरी हॉट। और उसके बाद तेलंगाना में भी जो हीट वेव जैसी कंडीशन अब बनने वाली है, 40 डिग्री के ऊपर कई इलाके में तापमान आ जाएंगे, कोई भी रिलीफ यहां पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। रायलसीमा इज रीलिंग अंडर हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशन एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो यहां पर भी कोई आपको रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा। तमिलनाडु के इंटीरियर इलाकों में यानी कि नीलगिरी हिल्स में बहुत हल्की बारिश होगी, बाकी इलाके थोड़े से ड्राई रहेंगे, शुष्क रहेंगे। अब एंटीसाइक्लोन के कारण जो वेस्टर्ली विंड यानी कि बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आ रही हैं तो चेन्नई में टेम्परेचर थोड़े गिरे हैं, कोस्टल एरियाज में गिरे हैं, जो अगले 3-4 दिनों तक थोड़े कम रहेंगे, लेकिन वेदर विल बी ड्राई एंड हॉट, नो रिलीफ इन साइट। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी कोई बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।